प्रकृति का नियम है, 9 महीना में बच्चा पैदा होता है। लेकिन जो बच्चा पैदा होता है, क्या वो बच्चा 9 महीना में फिर बच्चा पैदा कर देगा क्या? कितनी अवैज्ञानिक बात बोल रहे हो। इस सरकार का 9 महीना हुआ, 10 महीना हुआ, सरकार पैदा हुई, अब क्या सोचते हो? आप क्या सोचते हो? इसलिए आपसे मेरी विनम्र प्रार्थना है कि संभलो। आपने बनाया ना, मैं आज भी कहता हूं, अगर मेरे गांव के किसी को उठावे, आंख में पट्टी बांध दे, हिंदुस्तान के कहीं भी, उड़ीसा हो, बंगाल हो, कहीं हो, किसान को लावे, गांव में आंख पर पट्टी बांध दे और एक बार इंडिया गेट पर उसकी आंख को खोल दे, उसको लगेगा कि हम स्वर्ग में चले आए, कि बैकुंठ में चले आए, कि इंद्रपुरी चले आए। इतना का अंतर है। मैं 1977 में ML बन के आया, इंडिया गेट के किनारे पैदल टहल रहा था, एक बड़ी गाड़ी में एक बड़ा कुत्ता जा रहा था, वो अपने मुंह को निकाल के जी लप लप आते जा रहा था। मैं गांव का आदमी खड़ा होकर सोचने लगा, एक कुत्ता जरूर कुछ कह रहा है। मैं MP था, कभी दिल्ली देखा नहीं था, मेरे अंदर से आवाज आई कि कुत्ता कह रहा है क्या है, तू गांव का किसान, गरीब, मजदूर, पिछड़ा, दलित, तू क्या जन्म लेके करने आया है? तुझसे मैं सौभाग्यशाली हूं, देख मैं ठंड गर्म गाड़ी में बैठा हूं, केक खाता हूं, ऑमलेट कटलेट खाता हूं, गद्दे पर सोता हूं, तुमने देखा हिंदुस्तान, तुमसे अच्छा मैं हूं। उस दिन मुझे लगा कि इस हिंदुस्तान के बड़े लोगों के कुत्ते भी मुझसे अच्छी जिंदगी जी के रहे हैं और मुझे उस जिंदगी से भी बदतर जिंदगी जिलाने वाले कोई नहीं है, आप हैं। राज किया आपने, मैं आंदोलन किया, जेल में गया, जेल में सराया, आज भी पूर्वा हवा चलती है तो आपके पुलिस की लाठी से जो हड्डी में चोट है वो कहीं ना कहीं दर्द करने लगता है। तब मुझे ऐसा एहसास होता है कि जिस राज में मुझे इतना कष्ट मिला था, अगर मेरा बस चले तो उस राज को सदा सर्वदा के लिए हिंदुस्तान से उखाड़ के गया जी में जाके पिंडदान कर दूं, जो फिर निकलने न पाए। हम किसान थे, हमको मजदूर बना दिया, झुग्गी झोपड़ी में डाल दिया, गंदी जिंदगी, कीड़े की जिंदगी जीने के लिए हमको रख दिया। जो गांव में बसने वाले थे वो 82.7 थे और घट के हो गए 68.08, 14% गांव के लोग गायब हो गए। कहां गायब हो गए? गायब होके कहां गए? आपके यहां दिल्ली में, दिल्ली में फुटपाथ पर सोते हैं, पेड़ के नीचे सोते हैं, पेड़ के नीचे जन्मते हैं, बलते हैं, बढ़ते हैं, पेड़ के नीचे शादी करते हैं, होनीमून बनाते हैं, वहीं फिर बच्चा पैदा करते हैं, फिर पेड़ के नीचे ही अपना परिवार बसाते हैं। हमारे बच्चे को लाया, हाथ में रिक्शा थमाया, ठेला थमाया, फुटपाथ पर काम करवाया, गरीबी से मजदूर किया, कुत्ते के जैसे जिंदगी जीने के हमारे हमको मजबूर कर दिया। और ऊपर से आप बताते हैं कि हम अब तुम्हारे लिए क्या दे दिया, फूड सिक्योरिटी दे दिया, फूड सिक्योरिटी, दाना उपजावे, धान उपजावे, हम गेहूं उपजावे, हम अनाज उपजावे, हम मेहनत करें, हम हमको बस समझते हैं आप भिखमंगा। फूड सिक्योरिटी, हर आदमी पर 1 किलो चावल और 3 किलो गेहूं देंगे। आप बड़े 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 बजट वाले अर्थशास्त्री वाले हैं, महीना में 1 किलो चावल खा के रहो, 1 आदमी 3 किलो गेहूं खा के रहो, ये गरीबी का उपहास है, हमारी निर्धनता और गरीबी का उपहास है। आओ आओ, 1 किलो चावल देते हैं, 1 महीना में खाओ, महीना में 26 रुपया, जिसकी रोज की आमदनी आप कहते हो गरीबी रेखा के नीचे है, और चावल गेहूं बांटेंगे 70% को, क्या आंकड़ा है आपका? यही बजट बनाते थे ना, मैं उसी को कहता हूं यही आपका आंकड़ा, गरीबी चावल गेहूं खाए 70-80%, हमको कहो गरीबी की रेखा के नीचे है 26%। इस तरह की खबरें देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल ऑन कीजिए।